चलिए आपकी शादी होगी ये सर? हाँ जी सर मेरी शादी। अच्छा कभी वैसे कहीं से प्रपोजल आया है कि नहीं आज तक सर आपको? कोई पूछे या ना पूछे लेकिन हम अपनी कैमरा के माध्यम से, सुरक्षा बिहार के न्यूज के माध्यम से आपको जरूर पूछेंगे सर कि आप कहीं ना कहीं आपके बीवी भी देखे तो उनको एहसास हो जाए कि नहीं हमारे हस्बैंड है वो सिंगिंग करते हैं तो उनको प्रपोजल आया है या नहीं है। बहुत वैसे आपके वैसे व्यूअर्स भी होंगे जो चाहते हो कि हम सर कभी से वैसे प्यार भी करें, या प्यार ये का मतलब नहीं होता है सर कि शादी कर ले, लेकिन कभी वैसा आया सर प्रपोजल? सर आप शादी करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं लेकिन बात ये है तो कहीं ना कहीं ये क्यों होता है कि अगर लड़का अच्छा है, गाता अच्छा है, दिखता अच्छा है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो पसंद तो करते ही हैं, और बहुत ऐसे बात आपकी है कि प्रपोजल का आते तो आते जाते रहता है उसका कोई ये नहीं है, पर हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। मैं आई लव माई म्यूजिक एंड आई लव माई वोकल्स, मैं अपने मैंने वोकल के पीछे करता हूँ। नहीं जब सिंगिंग लाइन में है सर तो सबको ले दे करके चलना पड़ता है वो। अगर आपके अगर आपके व्यूअर्स कह रहे हैं कि हाँ आपको प्रपोज कर तो कहीं ना कहीं देखिए आप एक दिन के लिए गए प्रपोजल एक्सेप्ट करिए वहाँ से निकल जाइए, वैसे नहीं है सर कि हम उनके साथ बात करेंगे उनके साथ टाइम बिताएंगे, ऐसा नहीं है सर। बात ये है सर से कभी वैसा फोटो खिंचा करके आपके बीवी के पास गया हो सर क्या, या आपके परिवार के पास वैसा गया हो सर? सर बात ये है परिवार के पास जाना क्या है, हम लोग जो गाते हैं स्टेज पे जी उसका हर क्लिप यूट्यूब पे रहता है, फेसबुक पे रहता है, इंस्टाग्राम पे रहता है, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और मेरे वाइफ के पास हो, मम्मी के पास हो, पापा के पास हो, भैया के पास हो, सबके पास मोबाइल है। कभी आपके बीवी वैसे बात नहीं बोले हैं सर कि हाँ आप इनके साथ हैं वैसे टच करके डांस करने वैसे टच? नहीं सर इस बारे में मैं अपने वाइफ का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं और मुझे सपोर्टिव है, सपोर्टिव और इस मामले में तो बिल्कुल भी ये नहीं है, मैं जो शक्की टाइप के होते हैं। तो सर सबसे पहले सुरक्षा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, सबसे पहले रणधीर सर आपका स्वागत कि मुझे आपके ये सुरक्षा बिहार न्यूज के माध्यम से अपने दर्शक अपने पब्लिक आपके श्रोता जितने भी हैं उनके उनसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका मिला, और जितने भी आपके पब्लिक हैं आपके आपसे आपके दर्शक हैं सुरक्षा बिहार न्यूज़ को देखने वाले चाहने वाले उन सबको धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, और मैं चाहूँगा कि ये चैनल बहुत ज़्यादा बढ़े आगे, बहुत आगे निकले। और बाकी बात की रही मेरी तो जैसा कि रणधीर सर ने बताया मेरा नाम शशि सरगम है और मेरा घर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो बात रही 26 मिलियन की या किसी भी व्यूज़ की, तो बात व्यूज की तो ऐड लगा करके व्यूज आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आजकल पैसे लगाए ऐड लगाए और व्यूज आ गए। लेकिन मेरे 2017 में करीब हम एल्बम निकाले थे पटना की कंपनी से, तो वहाँ से मेरा एक गाना मतलब होली का गाना था और उससे पहला गाना मेरा था जी, और उसी चैनल पे छोड़े 700 सब्सक्राइबर था करीब उस चैनल का जब मेरा गाना आया था जी। बी सीरीज का नाम बी सीरीज म्यूजिक है उस जी चैनल का नाम, और वहाँ से मेरा गाना रिलीज हुआ जिसका एल्बम का नाम था छोड़ा नारंगवा लगा के, और उस समय वो गाना क्लिक हुआ था करीब 26 मिलियन व्यूज मतलब उस समय गया जी, आज के यूट्यूब पे है वो जी। अब तो आज हमारे सुरक्षा बिहार न्यूज के माध्यम से उनको ये भी मैं बता दूँ कि वही शशि सरगम जी हैं जो अभी के डेट में आप कहीं पे भी देखेंगे आप यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी सर्च करिएगा शशि सरगम जी तो इनका चढ़ा चेहरा जो भी है वो सबसे पहले आता है। और सिंगिंग के मामले में हमें इनका जो वॉयस है वो बहुत अच्छा लगता है। तो सर आप इसकी तैयारी और इसकी कठिनाई कैसे करते थे और कैसे इस सिंगिंग लाइन में कैसे आपने यहाँ तक आए और आज वैसे बिहारियों के दिल पे जो कहा जाता है एक बिहारी सौ के बिहारी, तो कैसे आपने बिहारियों के दिल पे राज कर रहे हैं? देखिए सर बात है इस लाइन में आने की जी, तो मैं अपना एक जीवनी संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कि मेरे घर में संगीत शुरू से है, मेरे घर में मेरा घर का पैसा है एक्चुअली सब लोग नौकरी करते हैं, मेरे पापा हो गए, भैया हो गए, चाचा हो गए, सभी लोग जॉब में हैं जी, लेकिन संगीत से सब लोग जुड़े हुए हैं। जैसे आज पूर्णिमा है हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज पूर्णिमा है तो आज हमारे गांव में रामायण कीर्तन होगा, हमारा पूरा परिवार लगभग सब लोग मैं हूँ पापा हूँ भैया हूँ चाचा हूँ सब लोग हम लोग उपस्थित होकर कीर्तन में कूद गए हैं। बचपन से हम लोग एक साथ बैठ करके गाते बजाते हैं भैया हम पापा चाचा सब लोग, तो वहाँ से संगीत का मुझे मिला। दूसरी बात मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, मैं IEEE निकाला हूँ, BIT मिश्रा से मैं पास आउट हूँ, तो वहाँ से पास आउट होने के बाद वहाँ भी काफ़ी फेस्टिवल होते थे तो वहाँ पार्टिसिपेट करता था, तो पार्टिसिपेट करने के बाद वहाँ जितने भी मेरे प्रोफेसर थे तो वहाँ जो भी गाना गाता था, एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है अभी मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी, समझे ना सर, तो वो जब भी गाना गाता था और या फिर मुस्कुराने की वजह तुम हिंदी गाना,
दूसरा चीज की जब जानते थे कि बिहार से है तो सबसे फेवरेट गाना है सबका, सबके जुबान पे होता है जो नन बिहारी हैं जी, बिहार से बाहर के रहने वाले लॉलीपॉप लगी, सबसे ज्यादा ये गाना मेरे से सुनते थे लोग। और प्रोफेसर भी बोलते थे क्या शशि, मानते हैं तुम स्टूडेंट अच्छा हो पर सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा वोकल इतना अच्छा है, तुम गाते अच्छे हो इसलिए तुम संगीत में चले हो। तो शशि सरगम जी, सब लोग कहते हैं एक बिहारी सौ पे भारी, तो आपने वैसे 26 मिलियन बिहारियों के दिल पे राज किए हैं, तो क्या लगता है सर एक बिहारी सौ पे भारी, आप 26 मिलियन वैसे व्यूअर्स आपका है? देखिए सर, एक बिहारी सौ पे भारी क्या, हम तो बोलेंगे हजारों पे भारी पड़ता है जी, सौ पे भारी क्या, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा इंडिया को IITM IPS IAS या कि इंडिया के जितने भी बड़े जॉब हैं जी, या फिर बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हमारा ये बिहार दिया, बहुत अच्छे अच्छे गायक उदित नारायण साहब, यहाँ तक कि सोनू निगम साहब का भी जन्मस्थल जो पुराना सुनते हैं खानदानी में, कहीं ना कहीं मैं सुना हूँ, अब हकीकत क्या है मैं इसका ये नहीं, पर वो लगता है मुझे यहाँ बिहार के ही रहने जी। आपकी तो चलिए आपकी शादी हो गई है सर? हाँ जी सर, मेरी शादी। अच्छा, कभी वैसे कहीं से प्रपोजल आया है कि नहीं आज तक सर, आपको कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन हम अपनी कैमरा के माध्यम से, सुरक्षा बिहार के न्यूज के माध्यम से आपको जरूर पूछेंगे सर, कि अभी कहीं ना कहीं आपके बीबी भी देखे तो उनको एहसास हो जाए कि नहीं हमारे हस्बैंड हैं वो सिंगिंग करते हैं, तो उनको प्रपोजल आया है या नहीं है। बहुत वैसे आपके वैसे व्यूअर्स भी होंगे जो चाहते होंगे हम शशि सरगम जी से वैसे प्यार भी करें, ये प्यार ही का मतलब नहीं होता है सर कि शादी ही कर ले, लेकिन कभी वैसा आया सर प्रपोजल? सर आप शादी तोड़वाने के चक्कर में लगे हुए हैं लेकिन बात ये है तो कहीं ना कहीं ये क्यों होता है कि अगर लड़का अच्छा है, गाता अच्छा है, लड़का अच्छा है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो पसंद तो करते ही हैं, और बहुत ऐसे बात आपकी है कि प्रपोजल का आते तो आते जाते रहता है, उसका कोई ये नहीं है, पर हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। मैं आई लव माई म्यूजिक एंड आई लव माई वोकल्स, मैं अपने मैंने वोकल के पीछे करता हूं। आप अपने बीबी से नहीं मिले अपने? नहीं नहीं, बिल्कुल जब सिंगिंग लाइन में है सर तो सबको ले दे करके चलना पड़ता है। वो अगर आपके अगर आपके व्यूअर्स कह रहे हैं कि हाँ आपको प्रपोज कर तो कहीं ना कहीं देखिए आप एक दिन के लिए गए प्रपोजल एक्सेप्ट करिए वहाँ से निकल जाइए, वैसे नहीं है सर कि हम उनके साथ बात करेंगे उनके साथ टाइम बिताएंगे, ऐसा नहीं है सर। बात ये है सर कि दर्शक हमारे भगवान हैं जी, और हमारे भगवान अगर हमको चाहने लगे उससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है। बोलता है ना कि आदमी भोजपुरी में कहा जाला कि जीते स्वर्ग चल गया, हाँ अगर कोई हमारा भगवान मुझे चाहने वाला मुझसे प्यार कर देगा उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। अच्छा आज तक कितने प्रपोजल आए सर? ऐसे मैं क्या कोई काउंट तो करता नहीं है सर। देखिए स्टेज के माध्यम से कभी वैसा फोटो खींचा करके आपके बीवी के पास गया हो सर क्या, या आपके परिवार के पास वैसा गया हो सर? सर बात ये है परिवार के पास जाना क्या है, हम लोग जो गाते हैं स्टेज पे जी उसका हर क्लिप यूट्यूब पे रहता है, फेसबुक पे रहता है, इंस्टाग्राम पे रहता है, तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और मेरे वाइफ के पास हो, मम्मी के पास हो, पापा के पास हो, भैया के पास हो, सबके पास मोबाइल है। कभी आपके बीवी वैसे बात नहीं बोले सर कि हाँ आप इनके साथ हैं वैसे टच करके डांस करने वैसे टच? नहीं सर, इस बारे में मैं अपने वाइफ का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, और मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं और मुझे सपोर्टिव है, सपोर्टिव है, और इस मामले में तो बिल्कुल भी ये नहीं है, मैं जो शक्की टाइप होते हैं बिल्कुल। सर एक और, जो लोग वैसे जो हमारे एक्टर्स होते हैं बिहारी उन्हें कई गलत शब्द से लोग वैसे स्टेज के नीचे वाले जितने भी व्यूअर्स होते हैं उन्हें पुकार करते हैं या कोई ऐसे गलत गलत बिहेव भी करते हैं, 10 रुपए के चक्कर में उनको हाथ पकड़ने की प्रयास करते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे सर? सर देखिए ये चीज तो मुझे वाकई में बकवास लगता है, और मैं जितना भी स्टेज करता हूँ मेरी तो सर कई स्टेज पे झगड़ा होने से बच गया इस बात पे। मेरे जो भी कलाकार स्टेज पे हैं, अगर मेरे कलाकार आप वो कला दिखा रही हैं आप इंजॉय कीजिए पब्लिक स्टेज के नीचे से, आप उनको बदन टच कीजिएगा, आप उनको छेड़ने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा जी, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और मैं वहाँ पर उनका गार्जियन हूँ, वो पूरा अपना हर चीज़ लेके आते हैं, इज्जत उनका जो भी है रख रखाव मेरे मेरे ऊपर जिम्मेवारी आ रही जी, मैं फिर अगले अगर मेरे कलाकार को कोई छेड़ दे मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमेशा देखे हैं सर कि कोई वैसे अगर एक्टर्स हैं डांस कर रही हैं तो उनको 10 रुपया देने के बहाने उनके हाथ पकड़ेंगे उन्हें बैठा करके, मतलब बहुत प्रकार की बातें होती हैं सर। और मैं वैसे इंसान को ये भी बोलना चाहूँगा सर कि वो ये जो करते हैं वो एक तो उनकी मजबूरी है, कोई कोई कलाकार मजबूरी में आता है काम करने स्टेज पे, एक स्टेज करना एक मजबूरी है, एक शौक होता है, जिसका डांस शौक होता है वो शौक से डांस करने आती है, दूसरा होता है कि एक मजबूरी होती है उनके परिवार की, जो परिवार के चलते आती है पैसे के लिए आती है, और वैसे इंसान उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनको भी उनके घर में कहीं ना कहीं वो परवरिश मिली है, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे तरफ से तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी कलाकार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।
अच्छा सर, आप अगर मान लीजिए आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे सर या आपके शो के लिए, तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा सर? मैं तो सीधा नंबर है या फिर फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है तो सर नंबर को थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नंबर है 7781-96-2399, ये मेरा नंबर है। मैं दोबारा बोल देता हूँ 7781-96-2399। जी सर, और रही बात आवाज़ की सर, आवाज़ का मोहताज है आप, तो आवाज़ भी थोड़ी सी वैसे जो आपके चहेता जो आपके व्यूअर्स हैं वो चाहते होंगे, कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से चाह रहे होंगे कि थोड़ी सी शशि सरगम जी का हमें वॉइस भी मिल जाए, हमें गाना वैसे सुनने को मिल जाए, तो वैसे गाना सुना दीजिए सर जो आपके चहेता जो आपके व्यूअर्स हैं उनको दिल को छू जाए और कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से एक दो स्टेज शो का प्रोग्राम आपके पास आ जाए। जी जी, थैंक यू। बिल्कुल, आप जैसे बोले कि आवाज़ के माध्यम, तो मैं आवाज़ का, मैं धनी नहीं हूँ, माँ शारदे का कृपा है, माता मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सब उनका ही संस्कार है कि मेरे में ये बसता है ना, मेरा कुछ नहीं है इसमें। तो बात रही सुनाने की, तो ये गाना है बहुत ही सुंदर गाना है राकेश तिवारी जी का, और वो गाने का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। गाना है क्या कि कौनो दिनवा शिकार हो जाइबो, कौनो दिनवा शिकार हो जाइबो, हमसे मिलबू हमार हो जाइबो, हमसे मिलबू हमार हो जाइबो। देखिए सर, ये चलिए हमने तो ये गाना आपके मन, लेकिन हमने कभी स्टेज शो के माध्यम से एक गणेश जी का जो वंदना है ना वो हमने बहुत हमें अच्छा लगता है, हमने कई दो तीन आपका स्टेज शो भी देखे हैं सर, लेकिन आपका जो गणेश वंदना है ना थोड़ी सी वो गुनगुनाती हमें वो बहुत पसंद पड़ता है सर। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं वो गाना ये ऐसे है कि जलती से आई बाबा देर ना लगाई बाबा, कि जलती से आई बाबा देर ना लगाई बाबा, अरे कि माता गौरा संगे पिता महेश जी, अरे कि माता गौरा संगे पिता महेश जी, कि आई बाबा आई आई, अरे आई बाबा आई आई, अरे आई ये गणेश जी, कि आई बाबा आई आई, आई ये गणेश जी, आई बाबा आई आई। अब देखिए म्यूजिक अगर होता ना तो हम मुड़ी को दौड़ रहे थे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, और कहीं म्यूजिक होता ना तो हम लगता कि झूमते। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और गणेश वंदना भी है, भगवानों में सबसे पहले माना जाता है उस वंदने को, किस तरह से शशि सरगम जी अपने गाने के माध्यम से अपने भोजपुरी समाज के माध्यम से किस प्रकार से ये स्टेज के माध्यम से रखते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं।